नमस्कार, मैं महिपाल चौधरी, महिपाल इंटीरियर चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। और आज हम एक बहुत ही शानदार और मॉडर्न बेडरूम का वीडियो लेकर आए हैं। और पिछली बार मैंने एक ग्रे कलर का सिंगल वन माइका में बनाया हुआ किचन का वीडियो अपलोड किया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका आई बटन पे लिंक दिया हुआ है, आप यहाँ से आई बटन को प्रेस करके उस वीडियो को देख सकते हैं। और दूसरा, उसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी आप उस वीडियो को ओपन करके देख सकते हैं कि एक ही कलर में शानदार किचन कैसे बनाया जाता है और वो कैसा दिखता है, किस किस क्वालिटी का वहाँ पे मटेरियल का इस्तेमाल हुआ है, तो वो पूरी जानकारी उसी वीडियो में दी गई है। और इस वीडियो में मैं आपको एक हल्के कलर में बनाए हुए बेडरूम का जो वीडियो मैंने तैयार किया है, उसको काफ़ी समय लगा, करीब 15 दिन का टाइम लग गया इस वीडियो को बनाने में। और इसमें जो भी हार्डवेयर फिटिंग और माइका, प्लाईवुड, चारकोल, मिरर वगैरह जितना भी उसमें सामान लगा है, तो इस चलते वीडियो में स्टेप बाय स्टेप उसका मेंशन कर देंगे कि इसको फाइनली खर्चा कितना आता है। किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को हायर करने से पहले क्या क्या अनिवार्य शर्तें रहती हैं, वो भी मैं इस वीडियो में बीच बीच में बताते रहूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये स्लाइडिंग दरवाजा खुल गया और हम आते हैं बेडरूम के अंदर। और बेडरूम का जो दरवाज़ा है वो हमने स्लाइडिंग का लिया है, और इसका जो व्हील कोड है वो BSL 009 है। और उसकी प्राइस की जब बात करते हैं तो ये 4000 रुपये का पेयर मिलता है। और ऊपर का जो लॉफ्ट है उसमें सभी फ्रेम करके सिंगल सिंगल पल्ले इस्तेमाल किए हुए हैं। और इसमें वन ड्रावर, यानी ज़्यादातर हम दो दो ड्रावर करते हैं, और ये कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसमें सिंगल ड्रावर किया है। काफ़ी बड़ी साइज़ का है, जैसे फाइल वगैरह रखते हैं तो फाइलें मुड़ती नहीं हैं। और स्लाइडिंग दरवाजे को यू चैनल में ऊपर से फिट किया हुआ है, और आते जाते समय यह दरवाज़ा इस पैनलिंग के पीछे छुप जाता है। और यहाँ पे इस बेड का हेडबोर्ड बनेगा, और माइका का भी कलर बेहद खूबसूरत, एकदम मिरर के जैसा ग्लॉसी कलर है। तो आप देख सकते हैं इधर उधर हम जब भी फिरते हैं तो इसमें अपनी परछाई आसानी से दिखाई देती है। और ये भी जो स्लाइडिंग फिटिंग है बहुत ही सॉफ्ट है और साइलेंट में ये चलती है, इसकी बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आती है स्लाइडिंग को आगे पीछे होते समय। और ये आप देखिए व्हील का जो इंटरनल भाग है, ये आपको देखो ये व्हील चलते हुए दिखाई दे रहा है, कोई भी प्रकार की इसमें आवाज़ नहीं है। और साइड कॉट लटकाने के लिए ओवल हैंगर पाइप लगा दी है जो मूवेबल है, जब चाहे निकाल सकते हैं, जब चाहे लगा सकते हैं। पूरे शेल्फ इसमें फोल्डिंग शेल्फ है, किसी भी खाने को आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। और इसका जो दरवाज़ा है वो 25 mm बोर्ड से बनाया हुआ है। और जहाँ तक कि अपन इस माइका की बात करते हैं तो ये 2100 रुपये की लोकल मार्केट में ये सीट मिलती है, बहुत ही कम बजट में और शानदार दिखने वाली ये सीट है। ये जो सामने लूअर्स टाइप जो दिख रही है, गोल्डन कलर की पट्टियाँ, इसको अपन चारकोल लूअर्स बोलते हैं, ये भी बहुत ही शानदार दिखता है। इसको किसी भी साइज़ में काटा जा सकता है। ये 8 फुट लंबी पट्टी आती है, ये 1000 रुपये से लेके 1200, 1300, 1400 रुपये तक का इसका लोकल मार्केट में प्राइस रहता है। और कॉस्मेटिक सामान रखने के लिए हमने छोटे छोटे यहाँ पे ग्लास के 4 शेल्फ लगा दिए हैं। तो एकदम सिंपल डिज़ाइन में बहुत ही अट्रैक्टिव ये ड्रेसिंग है। और इसमें अर्धचंद्राकार हमने मिरर लगाया है, और मिरर को भी चिपकाने के लिए ज़्यादातर लोग मिरर स्क्रू का या मिरर बटन का प्रयोग करते हैं। हम लोग जब भी मिरर चिपकाते हैं तो मिरर माउंट टेप और सिलिकॉन दोनों का प्रयोग करते हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है कि एक तो बरसात के दिनों में जब फ्लाई में अकड़न आती है तो मिरर को फूटने का कोई चांस नहीं रहता, क्योंकि सिलिकॉन एक रबर टाइप का प्रोडक्ट है। और अब आप इसमें देख सकते हैं
यहाँ सबसे बड़े जो मुद्दे की बात है वो है माइका का कलर। लोग कलर कॉम्बिनेशन के लिए दो प्रकार के कलर यूज़ करते हैं, कई कई घरों में तो तीन प्रकार के कलर भी यूज हो जाते हैं। और हमने यहाँ पे एक कलर इसलिए यूज किया है कि विकसित देशों के आप किसी भी किचन को या बेडरूम को देखेंगे तो उसमें आपको वन कलर ही मिलेगा। तो हमने वो डिज़ाइन को ध्यान में रखते हुए इसको वन पीस में लगाया है। इससे पहले कि मैंने इसका गूगल पे सर्च किया था, और ये जो नीचे का ड्रावर है इसमें तीन प्रकार की ये पाइप डाली हुई है, जो ये कंगन वगैरह इसके अंदर लटका के रखे जाते हैं जिससे कि वो बिखरे ना। और ड्रेसिंग का सामान रखने के लिए एक छोटा सा ड्रावर जो ज़मीन से 8-9 इंच की हाइट पे है। और अब बात करते हैं इसमें लगने वाले बजट की। तो फ्रेंड्स, इसमें 1 लाख रुपए का मटेरियल लगा है और इसका 30% लेबर चार्ज जो है हुआ है। ये बेडरूम आपको ये 1,30,000 रुपये में फाइनली बन गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।